दिनों बरसात का मौसम है। जल प्रलय की इस बीच दिल दहला देने वाली कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश के कुछ राज्यों में बारिश के बाद बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से आम लोगों को बाढ़ जैसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ राज्यों में आम लोगों को उनके रोजमर्रा से जुड़े कामों में भी परेशानी आने लगी है। ऐसा ही मामला नासिक से सामने आया है, जहां जिले के सुरगना तालुका में पुल की कमी के कारण निवासियों को हर रोज उफनती नदी पार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्षेत्र में तेज बारिश के कारण पानी का बहाव तेज हो गया है, जिससे उनकी जान को काफी खतरा है। वो हर साल बाढ़ के पानी में से होकर रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली वस्तुएं लेने जाते हैं। स्थानीय लोग हर रोज अपनी जान को खतरे में डालते हैं ताकि वो जीवन जी सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में हालात बद से बदतर हो जाते हैं। पानी का बहाव तेज होने के कारण कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि इसके बाद भी प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई। कई सालों से ऐसे ही लोग नदी पार करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव वासियों को पुल न होने के कारण बेहद परेशानी होती है। गौरतलब है कि इन दिनों महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। तटीय क्षेत्रों के अलावा रिहायशी इलाके भी बाढ़ग्रस्त हैं। ऐसे में बाढ़ के वक्त इस तरह की तस्वीरें सामने आना बहुत ही भयानक है। नदी पार करते वक्त अगर कोई हादसा हो जाए या किसी इंसान की जान चली जाए तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन को मामले का संज्ञान लेना चाहिए ताकि लोगों की जान को खतरा ना हो। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सुरगना तालुका के लोगों को पुल कब नसीब होता है। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।